आज का जो हमारा वचन का टॉपिक है वो है बी ऑनेस्ट विद गॉड। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज बी ऑनेस्ट विद गॉड। परमेश्वर के साथ ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट विद गॉड, ट्रूथफुल टू गॉड। कई बार हम इतने ज्यादा, जब हमारा उद्धार हो जाता है, चाहे हम बाइबल क्रिश्चियन हो या अन्य जाति से आए हों, वचन कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि बन गए। Even if you are Bible Christians or even if you are converted, the word says that you are a new creation in Christ. लेकिन हम अपनी थोड़ी सी कुछ चीजें साथ में लेकर आ जाते हैं। But we bring few elements from our past lives. और हम थोड़ा सा परमेश्वर के साथ वही चालाकी जो अब तक के पिछले जीवन में हम इंसानों के साथ करते रहे थे, करने की कोशिश करते हैं। And we keep on trying to cheat God like how we used to do in our past lives. थोड़ा सा manipulation. We try to manipulate. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाइबल तो हमें सिखाती है कि यहोवा हमारे मन को जानता है। But we forget that the Bible teaches us that the Lord knows our hearts. हमारे बहाने। He knows our excuses. हमारी चालाकियाँ। Our cleverness. और हमारा डरपोकपन। And our fear. सब जानते हैं। The Lord knows everything. एक चीज वचन में आगे बढ़ने से पहले, जो पौलुस ने गलातियों की कलीसिया से कही थी, गलातियों 4:16 में लिखा है। And a thing that Paul told to the church of the Galatians, it is written in Galatians 4:16. वहाँ पर ऐसा लिखा कि तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। He says that since I told you the truth, am I now your enemy? क्योंकि पौलुस कभी भी मिलावटी वचन देता नहीं था, खरी-खरी शिक्षा देता था। Because Paul always told everything truthfully. तो कुछ लोगों को वो चीजें हजम नहीं होती थी। And some people did not like what he did. वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। They could not digest that fact. अभी पिछले दिनों हम लोग ब्रदर की शॉप पे किसी से मिले। And a few days ago we met someone in brother's shop. मेरे हस्बैंड ने कुछ वचन की बात ऐसी बताई। And my husband shared the word. और वो जो थी सिस्टर, उनको वो जेंडर है, तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे आपने बोला। And that lady was she was from Gentile background. So when my husband shared the word, she said that how dare you say like that. मेरे हस्बैंड ने उनको हम्बली सॉरी बोला कि ठीक है, अगर आपको हर्ट हुआ देन आई एम सॉरी। सो माय हस्बैंड हम्बली अपोलोजाइज सेइंग इफ यू इफ आई हर्ट यू इन एनी वे देन आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन सच्चाई यही है। बट दिस इज द ट्रुथ। यीशु ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन में ही। जीसस सेड दैट आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ। और जब सच बोलते हैं तो कई बार सच पसंद नहीं आता। एंड व्हेन वी स्पीक द ट्रुथ देयर आर मेनी टाइम्स दैट पीपल डू नॉट लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमें हार्श होना है। And I'm not telling you to be harsh with people. पर ऐसे टाइम आते हैं जब हमें सच्चाई बोलनी पड़ती है। But there are times when we must speak the truth. हमें polished words use करने हैं। And we have to use polished words. लेकिन सच भी सामने लाना। To present the truth. और Acts उसके 22nd chapter में, प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय में, पौलुस जब बंदी बनाकर वहाँ पर राजा अग्रिप्पा और महासभा के सामने लाया गया था। In Acts chapter 22, when Paul was held in captivity and when he was brought in front of the king and everybody. घर पे जाके पढ़िएगा, प्रेरितों का 22वां अध्याय। Please read this chapter at home. तो वहाँ पर राजा अग्रिप्पा, पौलुस जो था वो आर्मी का कमांडर था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत सारी विद्या उसको आती थी। And Paul was quite a well-educated man. He was an army man. पहले वो एंटीक्राइस्ट था, बाद में मसीह का सच्चा सेवक बना। In his initial stages, he was an antichrist, but then he became the servant of the Lord. हम सब इस बात को जानते हैं। And we all know that. और राजा अग्रिप्पा ने वहाँ पर उसको कहा, बड़ी भीड़ जमा थी और सारे महाराजा और सब बैठे हुए थे, सदूकी फरीसी और सारे कमांडर्स बैठे हुए थे। राजा अग्रिप्पा ने बोला। And in front of all the people, in front of all Sadducees and Pharisees, King Agrippa told Paul. पहली चीज तो बोली, हे पौलुस, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया। He told Paul that since you are quite well educated, you've become mad. और फिर दूसरी चीज उसने बोली। And the next thing he told him was, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। But telling me very little by explaining quite little to me, you want to convert me to Christian. थोड़ा सा अगर सच का वचन हम बताते हैं तो लोगों को लगता है आगे हमें कन्वर्ट कर दिया। And whenever we speak just a small bit of truth to people, they think that we are converting them. We are trying to convert them. क्योंकि शैतान ने उनके आत्मिक आँखों को बंद कर रखा है, वो ये सच्चाई देख ही नहीं पा रहे कि वो किस जाल में फंसे। Because Satan has closed their spiritual eyes, they are unable to see what's the truth. और मैंने अभी जिन सिस्टर का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, तो वो जो डीमन पजेस हैं। And that demon possessed lady of whom I told you about few minutes earlier. मैंने उस बहन को यही बोला, मैंने कहा सिस्टर, ऐसा कोई दवा या इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपको लगा दूं और आपके दिल में यीशु के लिए प्यार और विश्वास पैदा कर दूं।
I told her one thing, that sister, there is no injection, there is no medicine that I may administer to you, and so you might become Christian. कि मैं आपका आँखों का आत्मिक पर्दा फाड़ के आपको दिखा सकूँ कि कैसे शैतान के बंधन में हो. There is no such remedy that lets me open your spiritual eyes so that you may see the bondages of the devil. ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है. Only the Holy Spirit can do that thing. और इसीलिए मैं हमेशा बाइबल पढ़ने पे बराबर जोर देती हूँ. आप चाहे अन्य जाति से आए, चाहे बाइबल क्रिश्चियन हो, अगर आप रेगुलर बाइबल रीडिंग, थॉरो बाइबल रीडिंग नहीं करते हैं, आपकी क्रिश्चियन लाइफ वेस्ट है. And this is why I keep on asking people to read Bible thoroughly. Even if you are Bible Christian, even if you've come from the Gentile background, I keep asking everyone to read Bible, because if you do not read the Bible, then your Christian life is meaningless. यहाँ तक कि जो लोग दूसरे दूसरे स्टेट से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से, कोई कर्नाटक से, जो लोग फ़ोन पे मुझसे प्रेयर करवाते हैं, उनको भी मैं एक ही बात बोलती हूँ, बाइबल पढ़ो तभी जीवन बदलेगा, नहीं तो सिर्फ प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं. And to all the people from various states, from many states who ask me for prayer, I also tell them this thing, that if you don't read the Bible, then prayers are meaningless, your life is not going to change. और कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं कि एक बार किसी माँ ने मुझे बताया था अपने जवान बेटे के लिए कि सिस्टर ये क्या करता है, सिर्फ जो कैलेंडर पे वर्ड्स लिखा है वो पढ़ता है, एक लाइन खोलता है या तो साम से या प्रोव से, एक लाइन या एक चैप्टर का तीन चार लाइनें पढ़ लेता है और बस हो गया. And then there was one lady who told me about her son. Her son, what he used to do was, he used to read that one verse from the calendar every day, one verse from Proverbs and one verse from Psalm, and that was all. इतने से काम नहीं चलता. But that is not enough. क्योंकि कुछ दिनों पहले पास्टर ने मैसेज दिया था कि हमारा इनर मैन वो पतला रह जाता है, भूखा रह जाता है. Because a few weeks back, our pastor told us that our inner man, our spiritual man, remains hungry, he remains small. डाइटिशियन भी जब डाइट चार्ट देता है तो उसमें इतनी सारी चीज़ें खाने पीने की बता देता है कि हमारे शरीर को पोषण मिलता रहे. इवन आवर डाइटिशियंस टेल अस टू ईट सो मेनी थिंग्स सो दैट आवर बॉडी गेट्स नरिश्ड. तो सोचो हमें अपने आत्मिक शरीर को पोषण देने के लिए कम से कम क्या चार चैप्टर भी नहीं पढ़ने चाहिए डेली. सो टू गिव नरिशमेंट टू आवर स्पिरिचुअल मैन, आवर इनसाइड मैन, वी मस्ट रीड एटलीस्ट 4 चैप्टर्स डेली. कैसे? एक भजन संहिता ले लीजिए, एक नीति वचन ले लीजिए, एक पुराना नियम ले लीजिए, एक नया नियम ले लीजिए. रीड अ चैप्टर फ्रॉम द साम्स, अ चैप्टर फ्रॉम प्रोवर्ब, अ चैप्टर फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, अ चैप्टर फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट. अब होता क्या है जब हम अन्य जाति से आते हैं, मैं अपना एग्जांपल जानती हूँ, क्योंकि हम हालांकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं तो एकदम से पूरी तरह प्रभु में आ गई, पर मेरे मम्मी, मेरे हस्बैंड और बाकी लोगों को देखा कि मेरे आसपास के लोग जब वो अन्य जाति से आते हैं. When people come from the Gentile background, I'll give you my example. When I accepted the Christ, it was wholeheartedly. I accepted him all at once. But people like my mother, like my husband, they come very slowly. And my friend is in Air Force. Mein. And I have a friend from Air Force. वो भी Gentile background से है. But she is from the Gentile background. उसको सारी आशीषें चाहिए यीशु से शुरुआती दिनों में. And in her earlier days, all she wanted was only blessings from the Lord. और यीशु से कुछ लेना देना नहीं, मतलब यीशु से प्यार ही नहीं हो पा रहा, लेकिन आशीषें चाहिए. She did not love Jesus, she did not want Jesus, all she wanted was blessings. और कहती थी ये तो यीशु करता है. And she always used to say that let Jesus do this for me. तो एक ही रास्ता था बाइबल पढ़ने का. So there was only one way out, and that was Bible reading. कई बार हम क्या करते हैं, चुपचाप हम कहते हैं नहीं जी हम तो सीक्रेट बिलीवर हैं, लेकिन वचन कहता है मत्ती 6:24 में कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता. There are people who make excuses saying that we are secret believers, but the word says that no one can serve two masters at a time. इस धरती के लोग जब दो इंसान प्यार में होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की गॉसिप खबरें हम सुनते हैं तो पहले अफवाहें उड़ती हैं, ये होता है वो होता है, मतलब एक कहावत है ना उर्दू में कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता. When the worldly people fall in love, so there are scandals and there are rumors spreading. So and as the old saying goes that the love cannot be hidden. जब आप यीशु के प्यार में पड़ते हो उसको कब तक छुपाओगे लोगों से? In the similar manner, for those who say they are secret believers, if you are in love with Christ, how long will you be able to keep it a secret? हमने जब अपनी समुदाय से यीशु के पास आए तो उसके लिए सोशल बायकॉट की एक छोटी सी कीमत चुकाई. छोटा इसलिए क्योंकि जो यीशु ने क्रूस पे किया उसकी तो बराबरी हम कभी नहीं कर सकते, किसी सांस में नहीं. When we came from the Gentile background, we had to face a social boycott, but that was quite small in comparison for what Jesus Christ has done for us on the cross. लेकिन मेरा बेटा वो पैदा ही हुआ यीशु की बदौलत, प्रार्थनाओं की बदौलत. We can say कि वो बाइबल क्रिश्चियन. But my son here was born through prayers, so you can call him a Bible Christian. उसने कभी इस तरह की चीज़ें फेस ही नहीं की. पैदा होते ही बाइबल पकड़ा दी गई, हमेशा चर्च के अंदर पला बड़ा. सोशल बैकआउट जैसी चीज़ें उसके लिए शब्द हैं केवल. He never had to face trouble, he never had to struggle for the Lord. He was given the Bible from his birth, he was taken to the church.
तो उसके लिए हमें ये बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि अपने जेंटाइल दोस्तों के सामने या अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों के सामने यीशु का बेधड़क नाम लेने से वो कभी पीछे ना हटे या हिचके नहीं। सो वी हैव टू टेक वेल केयर ऑफ दिस थिंग दैट इन फ्रंट ऑफ आवर रिलेटिव्स, इन फ्रंट ऑफ हिज जेंटाइल फ्रेंड्स, ही शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि मत्ती के 10वें अध्याय उसके 32 और 33 लाइन में वचन कहता है, Because in Matthew chapter 10 verses 32 and 33 it says, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं परमेश्वर के सामने मान लूंगा। He who accepts me in front of people, I will accept him in front of the Lord। मेरे मम्मी बहुत दिनों तक सीक्रेट क्रिश्चियन बन के रही अपने, मेरी मम्मी का एक पैट डायलॉग होता था उन दिनों में, मम्मी कहती मुझे बीच में लाते, उन दिनों में उनका पैट डायलॉग होता था, हम तो भैया इन्हीं लोगों के बीच हैं, हमें तो इन्हीं रिश्तेदारों से निभाना है। In her earlier believing days, my mother was a secret believer. Whenever I asked her about this, so she always told me that since I was born and brought up amongst these people, I've lived my life in front of these people, so I have to do this. I have to do this. लेकिन एक अच्छी बात ये थी, मम्मी को मैंने नया नियम दिया हुआ था और मम्मी वो पढ़ती थी। But there was one good thing she did, and that was I had given her a New Testament, and she used to read it. और वो वचन कहीं ना कहीं उनके इनर मैन में जा रहा था, अंदर जा रहा था। And that word kept on going inside of her spiritual man, her inner man kept accepting the word from it. जब हम जैसलमेर में थे राजस्थान में, उस वक्त मम्मी कानपुर में थी, मम्मी को माइनर अटैक आया। When we were transferred in Jaisalmer, my mother stayed in Kanpur and she got a stroke at that time. और जब उनको आईसीयू में ले जा रहे थे मेरे रिश्तेदार, क्योंकि हम तो उधर थे, हमें तो इनिशियली स्टेज का पता भी नहीं था, हमको सिर्फ फोन से बोला गया था जल्दी आ जाओ। And when our relatives were taking her to the hospital, when she was being taken to the ICU, and we were still in Rajasthan, so our relatives had informed us about this. इसी वचन से परमेश्वर ने बात की कि यदि जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं मान लूँगा परमेश्वर के सामने, नहीं तो जो मनुष्यों के सामने इनकार करेगा, मैं उसका इनकार कर दूँगा। And this word that if you accept me in front of people, I will accept you in front of the Lord, this word worked for her. और मम्मी को लगा अगर मैं अंदर गई और suppose अगर नहीं आती हूँ बाहर तो आत्मा मेरा जाएगा, और मैंने तो आज तक मुंह खोल के अपने और यीशु के रिश्ते को किसी के सामने कबूल ही नहीं किया है, तो फिर यीशु भी डेफिनेटली मेरा इनकार कर देगा। एंड इट वॉज देन दैट माई मदर थॉट दैट इफ सपोज आई डू नॉट कम आउट ऑफ द आई सी यू टूडे देन द लॉर्ड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट मी बिकॉज आई हैव नेवर एक्सेप्टेड हिम इन फ्रंट ऑफ पीपल। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो वचन पढ़ती थी। And I thank the Lord that she read the word. उस वचन ने उस मुश्किल घड़ी में याद दिला के उनसे बात की। And in that difficult time, the word spoke to her. और उन्होंने जाते जाते स्ट्रेचर पर जा रही थी और सामने मेरी कजिन सिस्टर्स खड़ी थी, मामा की बेटियाँ। And when she was being carried on the stretcher, my cousin sisters were there with her. उनमें से एक से उन्होंने कहा कि मेरे एक कजिन ब्रदर थे उनके पास, वो कभी कभी चर्च आते थे ऐसे जस्ट फॉर द विजिट, तो उनके पास पास्टर का नंबर था, कानपुर के पास्टर का, तो उन्होंने कहा मेरे लिए किसी मंदिर में दुआ मत करना, जाके पूजा मत करना, मेरे पास्टर का नंबर फला फला के पास है, उनसे नंबर लेके प्रार्थना करना। And I had a cousin brother who used to take her to the church. Even he kept on visiting the church, and he had the number of the pastor from that church. So my mother told my sisters that do not pray for me in any temple. Ask him to ask that pastor to pray for me. और मैंने वहाँ राजस्थान से भी फोन कर दिया था, तो पास्टर लोग वहाँ आए थे, आईसीयू गए थे प्रेयर करने। And I myself had asked all those pastors in Kanpur to come and pray for her. So all the pastors came and started praying for her in the ICU. और वो समय था जब मेरे सारे रिश्तेदारों ने देखा कि अच्छा इनकी बेटी पागल नहीं, अब तो ये भी पागल हो गई। And it was then that all my relatives realized that not only her daughter is mad, even she is mad. और उस दिन से मम्मी का जो fear of society, जो समाज का डर था, वो तोड़ दिया इशू। And it was at that moment that the Lord broke her fear of the society. देखिए वो रिश्तेदार जो हमारा कुछ भी भला नहीं कर सकते, हाँ मौका मिले तो बुरा कर सकते हैं, भला नहीं होते देख सकते, और एक इशू है जो हर सांस में हमारी भलाई चाहता है, हम क्यों उनसे डरते रहते हैं और क्यों इशू को खुल्लम खुल्ला उसके प्यार को कबूल नहीं कर पाते। Now there are these relatives who always mock us, who never do good for us, and they'll always seek the opportunity to harm us. And then there's Jesus who always wants us to do good. He always wants our good. So why don't we? Accept Jesus Christ in front of our relatives. या तो हम इतने स्वार्थी होते हैं कि यीशु को प्यार ही नहीं कर पाते, सिर्फ blessing, blessing, blessing चाहिए। At times we are selfish, we only want blessings from the Lord. एक छोटी सी लड़की का उदाहरण देती हूँ, दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी लाइन में लिखा है। Now let's look at an example from 2 Kings chapter 5 verses 2 and 3. वहाँ पर एक गुलाम लड़की थी, इज़राइल के देश से गुलाम बनाकर लाई हुई एक यहूदी लड़की।
there was a Jewish girl, she was a servant girl, she was taken captive from Israel. जो नामान नाम के एक सीरियन सेनापति के घर में कमांडर के घर में नौकरानी थी गुलाम थी and she used to serve under a Syrian army commander named Naaman. और वो जो नामान था वो कोढ़ी था उसको कोढ़ था and Naaman had leprosy. और वो suffered from leprosy. और वो लड़की उसकी वाइफ की सेवा टहल करती थी और बार बार उसकी बीवी को बोलती रहती थी अगर ये इसराइल में होता वहाँ पे एलिशा नाम का भविष्यवक्ता यहोवा से प्रार्थना करता और ये चंगा हो जाता. And that girl always told his wife that if our Lord was in Israel and if he would have consulted Elisha, he would have been healed by now. आपको क्या लगता है? एक बार उसने बोला होगा और उसकी मालकिन ने सुन लिया होगा? काम करने वाली गुलाम बंधुआ मजदूर लड़की की बात को कौन वैल्यू देता है और कितनी वैल्यू देता है? Now think, just think, if she would have told this only for once, would they have heard her plea? No one takes the point of a servant girl into consideration. मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिली जिनके जीवन एकदम टूटने की कगार पे बर्बादी की कगार पे और उनको इशू के बारे में बताओ तो वो नहीं सुनते. There are many people who I know that their lives are on the verge of destruction and I tell them about Jesus Christ and even then they do not listen. और यहाँ पर तो नामान था जो सेनापति था कमांडर था. And here was Naaman who was an army commander. अच्छा खासा पद मान प्रतिष्ठा उसके पास थी. He had wealth and he had all the power. नौकर चाकर थे उसके पास. He had servants. क्या एक बार में उसकी बीवी ने सुन के नामान से बोला होगा कि ये लड़की ऐसा कह रही है? मुझे तो नहीं लगता. So if this girl spoke only once, did her wife go and tell Naaman about that? हो सकता है उस लड़की को बार बार शायद हर दिन या जब मौका मिले तब जब उसकी मालकिन अच्छे मूड में हो तब हर बार बोलना पड़ा होगा. Now it is highly possible that this little servant girl told her master every day about this. कि अगर ये जो नामान है अगर ये इज़राइल में होता यहोवा के नाम से प्रार्थना होती ये चंगा हो जाए. That if Naaman were in Israel, if he was being prayed upon by the name of the Lord, he would have been healed. मेरी शादी के टाइम मम्मी ने बोला क्योंकि she was widow पापा नहीं थे तो मम्मी ने कहा देखो बिरादरी में एक जो रही सही जो हमारी इज्जत होती है वो नहीं घटनी चाहिए तुम जहाँ पैदा हुए हो तुमको उसी बिरादरी में शादी करनी पड़ेगी. Now during my marriage time since my mother was a widow she told me one thing that since we have all these people for us so you should not insult me in front of everyone so you should marry the one from our caste. वहाँ पर कोई आत्मिक बात नहीं थी वहाँ पर सिर्फ एक प्रतिष्ठा एक खोखली प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं ना कि नहीं हम ये समाज तुम वो समाज वो बात थी. And it wasn't a spiritual matter, it was a matter of honor at that time. तो मैंने मम्मी को एक ही चीज़ बोली थी कि कहीं भी शादी करके भेजो अगर तुम्हारी मूर्तियों में दम है तो एक मेरा आत्मा वापस खींच के लाएं अगर मेरे यीशु में दम है तो जिस परिवार में भेजोगी वहाँ से आत्माएं लेके अपने पिता के भवन में आऊँगी. And I told my mother one thing that no matter where you marry me if your idols have the power so let them bring me back to them and if my Jesus has the power then I'll bring my husband's family to Christ. और मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा पर मुझे पता था न बल से न शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा होगा क्योंकि मुझ में कोई काबिलियत नहीं थी. बट आई डिड नॉट नो हाउ दिस वाज गोइंग टू हैपन बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी कैपेबिलिटी बट आई ओनली न्यू दैट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वाज पावरफुल इनफ टू डू सो. और क्या एक दिन में ऐसा हो गया? नहीं. जब शादी से पहले ही मैंने मेरे पति को बोला था कि मैं यीशु को प्यार करती हूँ और छोड़ूंगी नहीं इवन शादी के बाद भी मुझे शायद हर दिन उनको बोलना पड़ता था कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर जिंदा खुदा सिर्फ यीशु ही है इस धरती पे आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर. And this did not happen in one day. I used to tell my husband every day, even before our marriage, I told him that I love Jesus Christ and I will not leave him. So I used to tell my husband every day that only Jesus is a true Lord. वो कैंसर को मार भगाता है, वो एड्स को मार भगाता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है. एकमात्र परमेश्वर वही है, दूसरे कोई नहीं है. I told my husband that Jesus has defeated cancer, he has defeated every disease and he can even resurrect the dead. He is the only true God. और वो सुनते थे और हमारे बीच में बहस होती थी कभी कभी ज़्यादा हॉट हो जाता था माहौल. And he used to listen to this and then he used to argue with me. We were fighting on this topic. और कई बार फिर बहस इस पॉइंट पे आके खत्म होती थी ठीक है जब कोई ऐसा काम देखूंगा तब मानूंगा. And then to end all this debate, my husband used to say that if I see a miracle, I will believe. आगे की कहानी आपको पता है हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे बेटे का जन्म हुआ. कहने का मतलब यह है कि एक बार में लोग नहीं सुनते. अच्छा था कि हम साथ में रहते थे तो रोज रोज बोलते थे. ये गुलाम लड़की उनके घर में ही रहती थी तो रोज रोज बोलती होगी शायद. So the point here is that this does not happen in a day. You have to keep on saying this every day, like my example and the example of that servant girl.
हो सकता है कि कुछ लोग दूर रहते हैं, जैसे अभी उस बहन का मैंने उदाहरण दिया, तो उनसे हम रोज नहीं मिल सकते, रोज फोन में नहीं कर सकते, पर उनको हम रोज अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और वचन बताता है याकूब की पत्री में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। Now it is possible that we do not meet certain people every day, like the sister I told you about. So we should keep on praying for them because the word says that there is power in prayer. कहने का मतलब है कि जब हम अपने प्रभु का सम्मान करेंगे, तब दूसरे हमारे विश्वास का, उस रिश्ते का सम्मान करना सीखेंगे। So the point here is that when we honor God, so people will look at us and they'll honor our relationship with Jesus Christ. अब ये नामान ने जब सुन लिया, मान लिया, चल तो दिया, अपने राजा से पूरा आज्ञा पत्र वगैरह लिखा के पूरे अपने साजो सामान के साथ, अपने रुतबे और घमंड के साथ वो चला। Now Naaman, he agreed to going to Israel. He took everything with him. He took all his army men. He took the permission from his king, and he came to Israel. एक हमारे एयरफोर्स में एक कपल था, उनकी वाइफ को किसी ने ऐसे ही विस्ट्राफ्ट किया था, तो वो डीमन पजस थी। तो जब किसी तीसरे पर्सन ने, किसी जेंटाइल ने उनको हमारे बारे में बताया कि ये लोग प्रार्थना करते हैं और लोग आज़ाद होते हैं। Now there was a couple in back in एयरफोर्स, एंड द वाइफ वॉज, शी वॉज अंडर ब्लैक मैजिक, बट देर वॉज समवन हु टोल्ड हर अबाउट अस दैट वी यूज्ड टू प्रे फॉर पीपल, सो शी केम टू अस। और जब वो हस्बैंड वाइफ आए, तो मेरे हस्बैंड ने उनको पहले ही बताया कि देखो वचन लिखा है बाइबल में कि जब दुष्ट आत्मा एक बार निकल जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से थर थर कांपती हैं, तो जब यीशु के नाम से कमांड देते हैं तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। एंड माई हस्बैंड टोल्ड दैट लेडी दैट इट इज रिटन इन द वर्ड दैट व्हेनेवर यू प्रे इन द नेम ऑफ जीसस द डेविल लीव्स बिकॉज़ दे आर अफ्रेड ऑफ हिज नेम। लेकिन जब उसके आगे लिखा है, जब उस जगह को खाली पाती, मतलब तुमने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन उसके बाद तुमने अपने दिल को, अपने जीवन को, अपने मन को यीशु से नहीं भरा, तो वो अपने से बुरी सात दुष्ट आत्माओं को लेके आएंगे, तुम्हारी दशा पहले से भी बदतर हो जाएगी। बट when the devil leaves, when your heart is now empty, and if you have not filled it with the word of God, if you have not accepted Christ in your heart, then that Satan comes back and he brings back seven more deadlier spirits with him. और वो लेडी क्या चालाकी करती थी कि वो हमारे पास प्रेयर के लिए आती थी, जब उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता था एक दो महीने बाद, जब वो कभी छुट्टी जाती थी, तो वहाँ पे अपने घर वालों को खुश करने के लिए, वो घर वाले जो इस केस में कोई उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, उन्हें खुश करने के लिए वो चीज़ें जो अगेंस्ट द बाइबल है, उनको, अपने मायके वालों को, रिश्तेदारों को प्लीज करने के लिए सब कुछ कर लेती थी, वापस आती थी बूढ़ी और बदतर हालत के साथ। Now what that lady used to do was whenever we prayed for her, she got healed. But then she goes to her relatives, she goes to her home, and to please her relatives, she used to pray to their idols. And whenever she came back, her situation was bad. It was worse than before. मत्ती के 13वें अध्याय उसके 58 लाइन में, 58 वर्स में लिखा है कि यीशु भी वहां उन लोगों के अविश्वास के कारण काम नहीं कर पाया। In Matthew chapter 13 verse 58 it's written that Jesus could not work there because of the people's unbelief. कौन सी चीजें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकती हैं? Now what are the things that block our prayers? सबसे पहली चीज हमारी चालाकी। It's our cleverness. जैसे कि अभी मैंने बताया कि लोग सोचते हैं कि ठीक है काम निकल जाएगा, बाद में हम अपना अपना करेंगे, हम क्यों अपने समाज की बदनामी मोल लेंगे। There are people who try to fool us, they try to deceive that they only want the blessings and they only want to have their work, they want their work to be done. और इनके हस्बैंड ने बाद में बताया कि जब आपने, मेरे हस्बैंड को बोला कि सर जब आपने इनिशियली ये वचन बोला था तब हमको समझ नहीं आया था, उस वक्त हमारे दिल में यही था कि एक बार निकल जाए या आज़ाद हो जाए मेरी पत्नी, हम फिर वापस लौट जाएंगे अपने उसी में। And that husband, that lady's husband told me later that we did not believe your word earlier, we just wanted to take advantage of you, but now we are suffering for that. Hum Parmeshwar ke sath khel nahi khel sakte. So we cannot cheat God. Wo hamare man ko janta hai. He knows our hearts. Dusri cheez jo rokti hai prarthnaon ko, wo hai hamara ghamand ya hamara avishwas. And the second thing that blocks our prayers is our pride or our disbelief. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस भावना के साथ आते हैं, चलो देखें कुछ होता है कि नहीं। Now there are many people who come to the church thinking that let's see what happens. याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय 6 से लेकर 8वें वचन में बाइबल बताती है। In the book of Jude verse 1 from verse chapter 1 from verse 6 to 8 the Bible says कि जो संदेह के साथ मांगता उसको कुछ नहीं मिलता। Whoever prays, whoever asks with doubt in his heart, he does not get anything. और घमंड, जैसे कि ये नामान कौड़ी का भी हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ये जब आया तो अपने रुतबे, अपनी पोजीशन, अपनी नौकरी के घमंड के साथ आया। एंड देन देयर इज प्राइड, लाइक हाउ वी लुक्ड एट द एग्जांपल ऑफ नेमान, व्हेन ही केम टू इजराइल ही केम फुल ऑफ हिज प्राइड, ही केम विद ऑल हिज पावर एंड ऑल हिज सोल्जर्स।
और तीसरी चीज जो प्रार्थनाओं पर रोकते हैं हमारा दो नाव पे पैर रखना एंड द थर्ड थिंग दैट स्टॉप्स दैट ब्लॉक्स आवर प्रेयर्स इज अस कीपिंग आवर लेग्स ऑन टू बोट्स हम यीशु से आशीष चाहते हैं लेकिन हम दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं We want blessings from Jesus, but we also want to please the worldly people. कि नहीं नहीं हम इनका दिल नहीं दुखा सकते ना नहीं नहीं हम उनको बुरा नहीं लगना चाहिए ना ऐसा नहीं कर सकते ना बहुत अच्छी polished excuses और बहाने हम देते हैं. And people make quite good excuses that they say that we do not want to hurt worldly people, we don't want to hurt our relatives. देखिए दो शक्तियाँ एक अंधकार की शक्ति एक परमेश्वर की शक्ति. There are two powers. There's the power of darkness and then there's the power of God. यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं एंड जीसस सेड दैट आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड तो जो प्रकाश की शक्ति है जब उसके पास आना है तो अंधकार की शक्ति को पूरी तरह से उसका हाथ छोड़ देना है दामन छोड़ देना है नाउ व्हेन यू वांट टू कम टू द पावर ऑफ लाइट यू विल हैव टू लीव द पावर ऑफ द डार्कनेस उस समय हमें अपने मन को कड़ा करना है एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर माइंड्स एट दैट पॉइंट चौथा पॉइंट है शैतान जब दानियल के चैप्टर उसके 10वें अध्याय में 12वीं लाइन में पढ़ के देखिएगा घर पे वहाँ पे लिखा है कि जब प्रार्थना करते हैं उत्तर तुरंत आता है परमेश्वर के अति पवित्र स्थान से चल देता है स्वर्गदूत अंसर लेकर बीच में अंधकार की शक्तियाँ रोकती हैं एंड द फोर्थ थिंग दैट ब्लॉक्स आवर प्रेयर्स इज सैटन इट्स रिटन इन द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 12 दैट व्हेनेवर वी प्रे द आंसर्स कम इमीडिएटली फ्रॉम द लॉर्ड बट देयर आर सैटन्स हु कीप ब्लॉकिंग आवर आंसर्स देखिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक आत्मिक क्षेत्र है स्पिरिचुअल रैम है जहाँ हमें नहीं दिखता है पर एक युद्ध चलता है टग ऑफ वॉर चलता है Now whenever we pray there's a spiritual realm which we cannot see but that's a place where there's a spiritual war going on और इसलिए हम कई बार लोगों को बताते हैं कि भाई जब आप प्रार्थना करवाने के लिए आए हो तो सिर्फ प्रार्थना ही करो एक ही डॉक्टर यीशु के पास रहो दूसरी जगहों पर मत जाओ नहीं तो प्रार्थनाएं कटेंगी कट जाती हैं Now when people come to have us pray for them, I tell them this thing that now you've asked for prayer, so only ask for prayer from God. Do not consult any other place because if you do that, then the prayers fight; they get cancelled out. पांचवी चीज है हमारे ही गलत काम. The fifth thing that blocks our prayers is our own folly, our own bad deeds. उसकी वजह से भी कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं आता जो कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्यों नहीं आया. और जब हम प्रार्थना करते हैं तब पूरे शुद्ध मन से तब पवित्र आत्मा हमें हमारी गलती दिखाती है. And whenever we pray with all our heart, then the Holy Spirit shows us our mistakes and we correct them because if we do not correct our mistakes, our prayers will not get answered. दूसरे राजा उसके 5वें अध्याय की 11वीं और 12वीं लाइन में लिखा है In 2 Kings chapter 5 verses 11 and 12 it says क्योंकि नामान अपने पूरे घमंड के साथ आया था और जब राजा के पास गया वहां से एलिशा तक खबर पहुंची एलिशा ने उसको अपने पास बुलाया Since Naaman came pridefully in front of Elisha और एलिशा ने जब उसको अपने पास बुलाया तो वो उससे मिलने बाहर नहीं आया नामान क्या सोच रहा था मेरे तरीके से प्रार्थना का आंसर आएगा When he came to meet Elisha, he did not come out to meet him. What Naaman thought was that everything will go his way. और वो तो उसको सामने निकल के वेलकम करने भी नहीं इतना बड़ा सीरिया का सेनापति और वो वेलकम करने भी नहीं आया हैंडशेक करने भी नहीं आया And Elisha did not even bother to come out to meet this guy. He was a big man in Syria. He was an army commander, but he did not even come out to greet him. नामान के घमंड को धक्का लगा एंड his pride was shattered at that time. जब हम परमेश्वर के पास दीन होके जाते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है When we come to the Lord humbly, it is then that our prayers get answered. कोई भी मैन ऑफ गॉड सिर्फ एक वेसल होता है परमेश्वर की महिमा को उड़ेलने का वो जरिया नहीं है जरिया यीशु है All the men of God, all the people of God are just vessels to convey the Lord's blessings, convey the Lord's answers to other people. क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत लोगों को मैंने देखा है जो डिनोमिनेशन की है किसी मैन ऑफ गॉड की आइडल वर्शिप करने लगते हैं जो टोटली गलत है I've seen many people who worship the man of God, not the God, the man of God, which Even is totally denomination. wrong. Even the denominations of Christ. वहाँ जब हम हेवन में जाएंगे ना तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि विच डिनोमिनेशन यू बिलोंग आप किस कलीसिया के सदस्य हैं Now when you go to heaven, you will not be asked which denomination you come from. You will not be asked which church did you belong to. वहाँ कच्चा चिट्ठा लिखा जा रहा है यीशु के साथ हमारे मजबूत रिश्ते का सीक्रेट में जो हम दुनिया के सामने नहीं जो सीक्रेट में रिश्ता है हमारा उसका हिसाब लिखा जा रहा है All the things that we do secretly with the Lord, everything is being recorded over there. तो आप कहेंगे denomination क्यों है Then you ask, then why there's denominations? इस दुनिया के rules regulation के हिसाब से जिस समाज राष्ट्र में हम रहते हैं वहाँ के rules को follow करने के लिए हमको एक tag name जैसे हमारा है हमें एक देना पड़ता है वो rules इस धरती पर रहते हुए follow करने पड़ते हैं To
to obey the earthly laws, the earthly rules, there are denominations so that we may fulfill the rules of this world. लेकिन मेन है बाइबल, मेन है इशू. But the things that matter are Jesus and the Bible. ठीक है, तो जब ये गया नामान, वो बाहर एलिशा निकल के भी नहीं आया, इसने सोचा था उसके सिर पे हाथ रखेगा, उसको वेलकम करेगा, मान सम्मान देगा, बैठाएगा चेयर पे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उल्टा एलिशा ने कहा जाओ सात बार यरदन में डुबकी लगाओ. And when Naaman came, what he thought was Elisha would come out, he'll pray for him, he'll make him sit, he will worship, he will do all sorts of things for him. But what Elisha did was tell him to go and take a bath 7 times in the river Jordan. Naaman ko bahut gussa aaya, wo bina aisa uske command ko follow kiye bina wapas jaane pe tha. Naaman was very furious, he did not bother going to the Jordan and he was preparing to leave. Kyunki wo apne ghamand mein tha. Because he was full of pride. धन्यवाद हो कि उसके साथ कुछ समझदार लोग, उसके अंडर काम करने वाले लोग उसके साथ गए थे. And fortunately there were people who understood the word of the Lord with him. और उन लोगों ने उसको समझाया कि कितना आसान सा तो काम बोल रहा है, कर लो ना, उसमें क्या जाता है, करके देख लो. And those people talked to Naaman, they told them that this is quite a simple thing, he's only asking you to take a bath, let's just see what happens. अगर हमारे तरीके से प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा. आयजाया चैप्टर 55 उसके वर्ड्स 8 और 9 में, यशाया 55 उसके 8 और 9 में लिखा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है. If things do not go our way, if we have prayed and the Lord is not answering according to our way, it does not mean that the Lord is not going to answer, because Isaiah 55 verses 8 and 9 say that my ways and your ways are quite different. क्योंकि तुम्हारी सोच जमीनी है, मेरी सोच आसमानी है. Because your thinking, your thought process is worldly and my thought process is heavenly. और सोचो ये अगर हम स्प्रिट जगत से उस आँखों से देखें, स्प्रिट की आँखों से, तो ये ओल्ड टेस्टमेंट का पहला ओपन बैप्टिज्म था. And if we look from our spiritual eyes to this incident, we'll see that this is quite a baptism, the first baptism that took place. जो किसी को दिलाया सिर्फ एक कमांड के जरिए, कोई दिलवाने नहीं आया, साथ में डुबकी लगवाने नहीं आया. और सोचो एक डुबकी से काम नहीं बनता था क्या? And there was no one to make that man go down and come up. He did that all by himself and that too 7 times, not once. आज जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हमें तो पास्टर साहब एक बार ही बस डालते हैं, हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं और फिर उठा लिए जाते हैं. In today's world, whenever we take baptism, the pastor drowns us once and then he pulls us back. क्यों? क्योंकि आज हमारे पास वचन का शुद्ध जल है, बाइबल है. उसके बाद बैप्टिज्म के बाद हर दिन इस वचन के जल से हमें अपने मन को धोना होता है. Because today we have the pure water, the word of God, and so we keep on washing ourselves with this word. और सेकंड किंग, दूसरा राजा, 5वें अध्याय के 14वें लाइन में लिखा है कि जब नामान ने स्वयं को दीन किया तब उसका कोट 7वीं बार में निकल के गया. And in 2 Kings chapter 5 verse 14 it's written that when Naaman came down humbly, it was then that his leprosy was healed. At the 7th time his leprosy was healed. इतना ज़्यादा वो जकड़न में था, बंधन में था. कोड, हमारा आत्मिक कोड, इसको आत्मिक जगत से समझिए, वो शरीर का कोड था पर हमारे आत्मिक जीवन में ऐसे कोड चिपके होते हैं हमें पता भी नहीं होता. इसके लिए हर बार वचन से धुलने की और अपने आप को दीन करने की ज़रूरत है ताकि हमारे और आपके आत्मिक कोड उतर जाए. Now let's look at this spiritually. Naaman had physical leprosy, but what we have is spiritual leprosy. So we need to wash ourselves from the word of God every day, every time, so that our spiritual leprosy may also be cured. और उसके बाद नामान ने क्या किया? रोमियो 10:9 में लिखा है कि उद्धार पाने के लिए दिल में विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है. And what did he do afterwards? In Romans chapter 10 verse 9 it says that to get complete salvation you have to believe and you have to confess from your mouth. और दूसरे राजा उसके 5वें अध्याय के 17वीं लाइन में, 17वें पद में वचन कहता है, नामान ने ये बोला, कन्फेस किया मुँह से कि अब मुझे कुछ नहीं तो इसराइल की मिट्टी ही दे दो, क्योंकि अब मैं किसी और को दंडवत नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहोवा ही को मानूंगा, उसके ही पीछे चलूंगा. And in 2 Kings verse 5, chapter 5 verse 17, Naaman confessed that I will only worship the Lord of Israel, so give me the sand from Israel because I will not worship any other god now. कुलसियों के 2वें अध्याय की 12वीं लाइन में लिखा है कि बपतिस्मा में हम यीशु के साथ गाड़े जाते हैं और उसके साथ फिर हम जलाए जाते हैं. वो प्रोसेस होता है अंदर जाने का पानी के और ऊपर आने का. In Colossians chapter 2 verse 12 it says during our baptism we get buried, we die with Christ and then when we are brought back up we resurrect with Christ. देखिए
बपतिस्मा स्वर्ग जाने की कुंजी नहीं है। जिस दिन आपका उद्धार हुआ, मुंह से कबूल, दिल में अंगीकार किया, आपका उद्धार हो गया, यीशु के नाम से जब कबूल किया। Baptism is not the key to going to heaven. The day you have accepted Christ as your savior, you will go to heaven. लेकिन बपतिस्मा लेना जरूरी है क्योंकि यह यीशु की आज्ञा है। But taking baptism is necessary because Jesus commanded us to do so. क्योंकि यीशु ने सारे जो व्यवस्था थी वो अपने ऊपर अपनी देह में अपने जीवन में पूरी कर दी। Because Jesus fulfilled every law that was written in the Bible, he fulfilled everything during his life. लेकिन एक ही कमांड, उसने घटने का कमांड नहीं दिया, लेकिन उसने बपतिस्मे का कमांड दिया और कम्युनियन का, प्रभु भोज का, प्रभु मेज का कमांड दिया कि मेरे आने के दिन तक ऐसा ही करना। He did not command you to circumcise, but two things he commanded was to take baptism and to take the Holy Communion. इसलिए हम बपतिस्मे को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर जैसे वो सूली पे लटका हुआ चोर था, जैसे एक बार मैंने मेरी नानी का उदाहरण बताया था, अगर उस स्थिति में हम बिल्कुल आखिरी क्षण में उद्धार पा रहे हैं, टाइम नहीं है बपतिस्मा लेने का, तब तो ये ओके है। अदरवाइज आपके पास समय है उद्धार के बाद और आप नहीं ले रहे हो बपतिस्मा, बहाने बना रहे हो, तो ये आपके विरोध में गिना जाएगा। Now there are exceptions like how my grandmother did and how that criminal who was on the cross with Jesus, that if you do not have the time to take baptism, you are just dying and at that point you accept Christ as your savior, you might be saved. That's an exception. अभी आगे समय नहीं है, हम इस वचन को आगे बपतिस्मे के ऊपर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज कम्युनियन सर्विस भी है। And since today we are supposed to take the communion, we'll continue this word next week. लेकिन मैं उन लोगों से दुआ कर एक रिक्वेस्ट है कि जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है या आपके जान पहचान में जो बिलीवर दोस्त हैं, उनको समझाइए कि बपतिस्मा क्यों जरूरी है। परमेश्वर का बच्चा, हम उसके साथ खिलवाड़, हम खेल नहीं खेल सकते। मैंने शुरू में भी बोला, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट इफ देयर इज एनीवन अमंगस्ट यू हु हैज नॉट टेकन अ बैप्टिज्म, और इफ यू नो योर फ्रेंड इफ देयर इज समवन एल्स हु हैज नॉट टेकन अ बैप्टिज्म, कन्विंस देम, टेल देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग बैप्टिज्म। एक लास्ट वचन बोल के खत्म करूंगी आज के लिए। सर्वोपदेशक उसके 9वें अध्याय के 8वें लाइन में लिखा है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे सिर पर तेल की घटी ना। एंड द फाइनल वर्स इज Ecclesiastes 9:8, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना। दैट योर क्लोथ्स मे ऑलवेज बी मैग्निफाइड एंड यू विल नॉट हैव एनी दिस थिंग इन योर लाइफ। अपने बपतिस्मे को खराब नहीं करना। डू नॉट स्पॉइल योर बैप्टिज्म। एक भाई थे कहीं किसी स्टेट में, और वो बपतिस्मे की जब चर्च में अनाउंसमेंट होती थी, हर बार तैयार होते थे, फिर कहते थे नहीं 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 अभी मेरा वो काम होना है, उसमें मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, तो इस बार नहीं लेता, फिर आगे के लिए टाल देते थे। Now I knew a brother from a different state that whenever we asked him about baptism, he agreed quite strongly, but whenever the time came, he always made excuses that I have to pay a bribe to someone or I have to do this bad thing, so I'm not ready now. और कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा, कुछ भाइयों को, कि वो कम्युनियन सर्विस नहीं अटेंड करते, कम्युनियन नहीं लेते थे। नहीं नहीं नहीं, जब पूछो भैया क्यों नहीं ले, नहीं नहीं दीदी वो कुछ गलतियाँ हो गई थी। एंड देर आर अदर पीपल्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द कम्युनियन बिकॉज, एंड देन आई आस्क्ड देम लेटर व्हाई डिड यू नॉट टेक पार्ट इन द कम्युनियन, सो दे से दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक दिस वीक, आई हैव सिंड दिस वीक, सो आई कैन नॉट टेक पार्ट इन द कम्युनियन। सालवेशन के बाद या बपतिस्मा लेने के बाद भी गलतियाँ होती कैसे? नाउ वंस यू आर सेव्ड, वंस यू हैव टेकन बैप्टिज्म, हाउ कैन यू सिन? क्योंकि हम वचन, वही बात, घूम फिर के बात यही आती है कि हम वचन नहीं पढ़ते, इसलिए शैतान के जाल में फंसते हैं, शैतान हमको फंसाता है और हम फिसल के उसके गड्ढे में गिर जाते हैं। Because since you do not read the word of the Lord, you keep on falling in the trap of Satan and he keeps on ensnaring you. आप कैसे दूसरों को उठाओगे जब तक आप मजबूती से खड़े नहीं हो? How can you lift others up if you yourself are not standing firm? तो इस बारे में हमें मनन करना है, सोचना है। So we have to think about this thing. और हमें बैप्टिज्म के लिए अपने मन को तैयार करना है। And we have to prepare our minds for baptism.